सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस महीने में भोलेनाथ अपने ससुराल गए थे, जहां उनका जल अभिषेक किया गया था। इसलिए जो भक्त इस महीने में सच्चे मन से शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के ये सभी ज्योतिर्लिंग प्राणियों को मृत्यु लोक के दुखों से मुक्ति दिलाने में मददगार हैं। क्या आप जानते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का संबंध 12 राशियों से भी है? अगर व्यक्ति अपनी राशियों के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करे तो उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी संबंधित राशियों के बारे में। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। जिस प्रकार से राशि 12 हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस हिसाब से एक एक नंबर, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और 12 राशि भी हैं, तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च, इस हिसाब से मेष राशि वालों के लिए सोमनाथ, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, दूसरा नंबर वृषभ के लिए मल्लिकार्जुनम, विशेष फलदायी, इस हिसाब से जिस नंबर की आपकी राशि हो उस नंबर से जो ज्योतिर्लिंग है उसमें आप यदि विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। वैसे आपको बता दे, सावन के पूरे महीने सभी 12 ज्योतिर्लिंग में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस सावन में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने नहीं पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिष आचार्य जी, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्तों की काफी भीड़ रहती है, तो राशि के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। भगवान शंकर की पूजा तो अभी इस कलयुग में विशेष रूप से फलदायी है, लेकिन अपने अपने राशि के हिसाब से क्रमशः यदि आप ज्योतिर्लिंग में पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप घर बैठे भी द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये स्तुति 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और महिमा का गान है, जिसे सुनने और पढ़ने से आपको उन्हीं के दर्शन का फल प्राप्त हो सकता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग का यदि आप नाम का नाम लेने से ही आपके सप्त जन्म कृतम पापम, सात जन्म का किया हुआ पाप स्मरेण विनश्यति, यदि आप स्मरण करते हैं और प्रातः काल उठ करके यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग का सिर्फ नाम ले लेते हैं तो आपके संपूर्ण पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालः मोंकारं ममलेश्वरम, वैद्यनाथं चिताभूमो डाकिन्यां भीमशंकरं, सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारे भुस्मे संच शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, और यहाँ तक भी कहा गया है। तो सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में विशेष रूप से बाबा बैद्यनाथ धाम में जो भीड़ लगती है, कांवर यात्रा होता है, तो वैद्यनाथम चिताभूमि, तो चिताभूमि जो वैद्यनाथ बाबा वैद्यनाथ में कांवर यात्रा होता है, इनका क्या है पहचान? पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरजा समेतम सुरा असुराधित पाद पद्म श्री वैद्यनाथम तमहं नमामि।
द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्रावण महीने में विशेष रूप से बाबा वैद्यनाथ धाम के जो चिताभूमि नामक ज्योतिर्लिंग हैं इनका पूजा अर्चना का विशेष फल दिया गया है, माना गया है। श्रावण महीने में निश्चित सभी राशि वाले कांवर यात्रा करके वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करें। अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की पूजा कर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।